जय हिंद स्टूडेंट। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एनडीए क्लियर कर सकते हैं क्या नहीं। डियर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल एनडीए क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए एनडीए क्लियर करने के लिए क्या होना चाहिए। एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी में आपकी क्वालिटी चेक की जाती है। ये नहीं चेक किया जाता कि आप इंग्लिश कितना अच्छे से बोल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं चेक किया जाता। आपकी क्वालिटीज चेक की जाती है, आपका माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। माइंडसेट अच्छा होने के लिए, माइंडसेट और एटीट्यूड अच्छा होने के लिए क्या इंग्लिश जरूरी है? नहीं, ये तो अपने अंदर क्वालिटीज होती है। आपके अंदर अगर जज्बा है फौज में जाने का, जज्बा है कुछ करने का, उसके लिए लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके लिए भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। देखिए ये सब जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है आपके अंदर वो क्वालिटी होना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर ये है तो आप एनडीए क्लियर कर लोगे। अगर आप कोई भी भाषा बोलते हो, तमिल बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, हिंदी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एसएसबी जो होती है वो आपके क्या चेक करती है, क्वालिटीज। आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं सिलेक्ट होगा डियर। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रेशर झेल पा रहे हो? क्या आप में दोस्तों के साथ रहने की आदत है? क्या आप लोगों की मदद करते हो? क्वालिटीज होनी चाहिए डियर। क्वालिटीज अगर आपके अंदर है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? वो मैटर नहीं करता। एसएसबी क्लियर करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती। बट हाँ, कुछ हद तक आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखिए आजकल थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अपने आप को देखो प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए लैंग्वेज का फ्लो होना जरूरी है। तो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनडीए रिटर्न एग्जाम की। क्या हिंदी मीडियम के बच्चे एनडीए रिटर्न एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। देखो अगर रिटर्न की मैं बात करूँ तो दो पेपर होते हैं, आपको पता ही है, मैथ्स का होता है और एक जीएटी का होता है। अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स का पेपर पूरा हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। यानी मैथ्स में आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैथ्स में इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए क्या लैंग्वेज की ज़रूरत है? नहीं। तो आप मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, मैथ्स पर ध्यान देंगे तो बाकी इंग्लिश वाले पोर्शन पर थोड़ा सा आप ढीला छोड़ सकते हैं। और इवन ये वाला जो पोर्शन है आपका साइंस और जीएस, इसमें भी हिंदी में पेपर आता है, तो इसमें भी लॉजिक डेवलप करने हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, और ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बचता है जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो हो सकता है आपके लिए इंग्लिश। बट इंग्लिश के सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन, और जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर इसको स्कोर करिए आप। अब देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बट मैं तो देखिए पर्सनली पसंद करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के होते हैं, मैं तो उनके ज़्यादा करीब होता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले को बच्चों को लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, बट जो बच्चा सीखना चाहता है वो सीख कर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप में सीखने की आदत है तो इंग्लिश भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने की आदत है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? 50 क्वेश्चन होते हैं। अब 50 क्वेश्चन में भी देखिए लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो वोकैब के ही होते हैं। वोकैब को क्या करना है आपको? सब पढ़ने याद करना है। वोकैब में क्या क्या आ जाता है? ईडियम फ्रेजेज आता है, एंटोनियम सिनोनियम आ जाते हैं। प्रोपोजिशन वोकैब पे तो नहीं आता, बट हाँ प्रोपोजिशन आप पढ़ सकते हो बुक से कि टू कहाँ लगाया जाता है, ऑन कहाँ लगाया जाता है, इन कहाँ लगाया जाता है, यही फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। तो इससे ही आप काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो 50 में से। इसके बाद आता है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में क्या करना है आपको? क्या करना है? नाउन पढ़ना है। कोई भी बुक उठाई, नाउन पढ़ा, नाउन पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट रूल है। अब वो इंपॉर्टेंट रूल को क्या करना है आपको?
लिख लेना है। तो नाउन के रूल याद करने हैं, प्रोनाउन के याद करने हैं, फिर आगे चल के एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, सबके रूल्स याद करने हैं, और एरर स्पॉटिंग भी आप लगभग कर सकते हो। और फिर बचता है जो अनदर पोर्शन होता है इंग्लिश का, वो आता है रीडिंग स्किल्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप रीडिंग करते हो इंग्लिश की, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेते हो कि इसमें क्या आएगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश रीड करना स्टार्ट करिए। डेली न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ो, एक नॉवल खरीद लो, एक सिंपल सी नॉवल खरीद लो, उसको पढ़ो। ये नॉवल आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव करेगी करेगी, साथ के SSB के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए रीडिंग में क्या हो सकता है, रीडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो आप क्या करें, इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, अनसीन पैसेज जो होते हैं आपके, डेली 3 क्वेश्चन करो, 3 अनसीन पैसेज करिए। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उनको प्रैक्टिस करिए। एरर स्पॉटिंग तो आप कर ही लेंगे। आपका आता है अरेंजमेंट, उनको डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आप डेली अगर 4-4 ये आप प्रैक्टिस करते हो, 3 अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करते हो, तो आपके अंदर थोड़ा सा स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। बट क्या करना है, निरंतरता कंसिस्टेंसी के साथ डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा रीड तो जरूर करना है। रीड करने से क्या होता है, आपके अंदर इंग्लिश समाने लगेगी, और फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे क्या गलत है क्या सही है, इसके अंदर क्या आना चाहिए। बस क्या करना है, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करनी है। मेहनत करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा, अगर आप देखिए इंग्लिश थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो करना है। आप अगर ऑफिसर बनोगे तो आप अपने जवानों को या कहीं भी अपने ऑफिसर से बात करोगे, सीनियर से बात करोगे, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश तो बोलनी ही चाहिए। और इवन जो उनका प्रोसेस होता है, कामकाज होता है, वो भी इंग्लिश में होता है, तो आनी चाहिए। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और एक अच्छा इंप्रेशन भी डालेगा कि आप हिंदी मीडियम से थे, अब आप इंग्लिश भी बोलने लगे हो, कितनी अच्छी बात है ये आपके लिए। तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी इंग्लिश को, आप इंप्रूव कर सकते हो। देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इंग्लिश को, लैंग्वेज को फेस करना है, फेस करना है, भागना नहीं है। मौका मिल रहा है इंग्लिश बोलने का, बोलना है। कोई बोल रहा है कि आगे आओ, बोलो, बोलने का आपको आगे जाके बोलना है, भले ही लोग हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मकसद क्या है, आपको इंग्लिश सीखनी है, आगे आओ, बोलने की कोशिश करो, अपने दोस्तों से बात करो, उनसे बात करोगे, भले ही वो हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलिए। तो आपको क्या करना है, पहले फेस करना है इसको, भागना नहीं है। और कैसे फेस कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में भी देखो इसको कैसे लिखा हुआ है। जीएस के क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में कैसे पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा होने लगेगा, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी अब आपको क्या करना है, स्विच करना है। आप देखिए आजकल आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, सब इंग्लिश में ही होता है यार, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो यहाँ क्यों भाग रहे हो आप लोग, नहीं भाग सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव बेसिक। बेसिक इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश है यार, ज़्यादा इंग्लिश तो चाहिए ही नहीं यार, बहुत बेसिक इंग्लिश। माई नेम इज जन्मोजय शर्मा, आई स्टडी इन दिस स्कूल, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, बहुत बेसिक इंग्लिश है यार, कुछ नहीं करना आपको। अपने घर में भी अगर आप मम्मी से पानी मांगते हो तो इंग्लिश में मांगो, बुक मांगते हो इंग्लिश में मांगो, बहुत बेसिक इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। इतनी टफ इंग्लिश नहीं चाहिए, हाईफाई तो बोलना ही नहीं है, बहुत बेसिक, ताकि आप चीज़ों को हल्के से बोल सको। क्या करें, स्टार्ट राइटिंग, रात को सोने से पहले क्या करो, दिन भर आपने क्या क्या करा उसको इंग्लिश में लिखो, उसको बोलने की कोशिश करो। सिर्फ 15 मिनट देने आपको सोने से पहले, सोने से पहले नोटबुक उठाई, लिखा कि आज मैंने क्या क्या करा, व्हाट वर द 3 थिंग्स आई डिड टुडे फॉर NDA, NDA के लिए मैंने क्या अच्छा करा, उसको इंग्लिश में लिखना है। हाउ वॉज माई डे, कैसा दिन रहा, इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है, सिर्फ यही करना है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। और आप क्या कर सकते हैं, वो जो चीज़ आपने लिखी हुई है अपने सीनियर को चेक करा सकते हैं, टीचर को चेक करा सकते हैं, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो ये स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टार्ट टॉकिंग, रीडिंग एंड फीलिंग, यू शुड स्टार्ट फीलिंग, फील करने लगो कि आपको इंग्लिश आ रही है, आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, तो स्टार्ट फीलिंग दैट, स्टार्ट टॉकिंग, रीड करना स्टार्ट करो, आसपास हर चीज़ इंग्लिश में मौजूद है, उसको कोशिश करो इंग्लिश में ही पढ़ी जाए। हिंदी तो आपको आती है, इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में घुसना पड़ेगा, ठीक है। अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, आसपास कोशिश करिए ऐसे दोस्तों के साथ मिले जो खुद इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने टीचर से इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। तो माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश सीखी जा सकती है, कुछ इशू नहीं है, इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ NDA, ये एक ओनली कारण नहीं है, केवल एक कारण नहीं है जिससे NDA में सिलेक्शन होगा आपका, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट
देखिए लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर अंदर क्वालिटीज है तो इंग्लिश भी सीख जाओगे, अंदर क्वालिटीज है तो एसएसबी भी क्लियर कर लोगे, क्वालिटीज है तो एनटी का रिटर्न भी क्लियर कर लोगे। तो कंक्लूड मैं इस बात पे करूंगा कि एनटी का एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है, बशर्ते आप मेहनत करें। समझ में आ रही है आप सब लोगों को बात? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और आप हमारी वीडियोस को भी पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए आगे चल के आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ आपके लिए टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, कंटेंट लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जेएमडी डिफेंस अकेडमी, वहाँ पर हम डेली क्विज डालते हैं बच्चों के लिए, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।